नमस्कार प्राइम ओडिशा सहित मो पूर्व प्रथमे हेडलाइंस। पाकिस्तानी महिला हनी ट्रापे चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी चारि ठिका कर्मचारी आईएसआई पाकिस्तानी महिला एजेंट आसुला फोन कल चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी तथ्य होता चोरी अभियुक्त अकाउंट को आसुला टंका तदंत पर चारि अभियुक्त को गिरफ्त करी कोर्ट चलाण घटनार अधिक छानभिन कर क्राइमब्रांच। वर्षा परे बन्या भय फुलुची नदी हीराकुद्रे खोलिला 20 गेट भयरे तळिया अंचलवासी पानी कमुची बढ़ुची दुर्दशा पाणीघर में शह शह गाँ जलुनी चूली भोक उपास कलबल लुके वर्षार चार मृत दुई निखोज। ऑटो एवं टेलीकॉम उद्योग केन्द्र बड़ घोषणा ऑटो उद्योग पीएलआई योजना को मंजूरी 5 वर्ष खर्च हो 26,000 कोटी टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़ मौलिक संशोधन को अनुमति। महिला आक्रमण में देश में नंबर वन ओडिशा सारा देश में कमुची महिला निर्यातना ओडिशा और बेंगल रे उपर मुहा संख्या एनसीआरबी रिपोर्ट को आसला चिंताजनक चित्र 90% रु अधिक को हेउना दंडविधान। खोलिला राज्य सरकार चाषी प्रीतिर गुमर चाषी आय क्षेत्र में ओडिशा तल आड़ू दि नंबर राज्यर 62% चाषी परिवार ऋणग्रस्त केन्द्र परिसंख्यन और योजना क्रियान्वयन मंत्रणा रिपोर्ट रु आसला ओडिशा चाषी बास्तव स्थित। उड़ुची पीसी मस्ट स्टॉप धजिया पक्काघर लुटेरा ओडिशा पुरस्कार कार्यानुष्ठानी सरकार एमपी सरकार लुटेरा बांधि जेल पठाऊता बेले ओडिशा सरकार काहीकि घोड़ाउछंती घंट विरोधी कहले आक्शन नेले दुकान होइजिव बंद। कोटिपति अंगनवाड़ी दीदी गिरफ दरमा 7,500 मिलता 4 कोटी टंकारु अधिक टंकार संपत्ति एते टंका ठूल कले केमिति सारा राज्य में दुर्नीतिर बड़ दाना खाई आराम रे टहल मारुचंती बड़ बड़ सरकारी बाबू बड़ भाकुर छाड़ी दंडिकारी धरी बाहाबा नेउची विजिलांस। मूर्ति उच्चता विवाद रे अड़ी रहिले राज्य सरकार कटकिया स्वाभिमान आगे अहंकार बड़ प्रमाण करने को विज्ञापन सहारा ने राज्य सरकार एवं कटकवासी सपक्ष में बाहरी 40 संगठन आमरण रसल एवं बाद पड़े बदनाम मंत्री पिपिली उपनिर्वाचन बीजेडी स्टार कैंपेनर तालिकु बिवाद 7 मंत्री बाद। देखा संपूर्ण खबर ओडिशारु प्रतिरक्षा संबंधित तथ्य जाउतला आईएसआई पाकिस्तानी महिला एजेंट को पाखकु हनीट्राप थिला माध्यम सामिल थिले जणे महिला चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी कार्यरत 4 ठिका कर्मचारी को देशद्रोह मामलें गिरफ्त करा जाई कोर्ट रे हाजर करा जाई छे। पाकिस्तान रो आईएसआई रो जणे महिला एजेंट को हनीट्राप रे पड़ीथिले एही 4 अभियुक्त प्रतिरक्षा संबंधित अनेक तथ्य एमाने फोन रे एवं वीडियो कॉल माध्यम रे आईएसआई पाकिस्तानी महिला एजेंट को देउथवा जना पड़िछे ए अभियुक्त नाँ रे देशद्रोहर संगीन मामला लागिछे। बड़ कथा हैला एमान को अकाउंट को मध्य पाकिस्तानी एजेंट जनक टंका पठाउथवा सूचना मिलिछे को मिसाइल रेंज केते केउं समय रे केउं मिसाइल परीक्षण हेबार अछि केउं मिसाइल रा लक्ष्य भेद क्षमता केते किछ एपरि तथ्य पाकिस्तानी महिला जनक ए 4 अभियुक्त ठारु हासिल करूथिले एपटे ए घटनार तदंत करूछि क्राइमब्रांच। क्राइमब्रांच पक्षर ट्वीट कर सूचना दिया दी पाकिस्तान महिला हनी ट्राप 4 अभियुक्त वीडियो कॉल करुले पाकिस्तानी महिला ओडिशारु तथ्य जाऊला पाकिस्तान महिला निकट को बालेश्वर चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी कार्यरत यह 4 युवक को चिन्ह रखु एम आसी देशद्रोहर सांघातिक अभोग आज से बालेश्वर एसडीजेएम को कोर्ट में हाजर कर अभियुक्त नंबर 1 हेमंत मिस्त्री लॉन्च पैड 3 अभियुक्त नंबर 2 बसंत बेहरा लॉन्च पैड 3 रे एसी ऑपरेटर
अभियुक्त नंबर 3 तापस नायक लंच पैड 3, अभियुक्त नंबर 4 शेख मुसाफिर लंच पैड 3। ये चार अभियुक्तों को नाम आसी देशद्रोह संगीन अभियोग। हनी ट्रैप जरिए पाकिस्तान जन युवती यह चारिज को फोन करुले वीडियो कॉल मध्य करुले फोन और वीडियो कॉल करी विभिन्न तथ्य हासिल करने को चेष्टा करुले को मिजाइल रो रेंज के समय के मिजाइल परीक्षण होबार अछि के मिजाइल लक्ष्य भेद क्षमता केते एमिति किछि प्रश्न पचारि चारि अभियुक्त ठारु तथ्य हासिल करुले पाकिस्तानी युवती। चांदीपुर प्रतिरक्षा गवेषणा केन्द्र एवं आईटीआर एमिति प्रक्रिया रे देश बाहर को जाउतला तथ्य मिलतिबा सूचना अनुसार हनी ट्रैप रो एई कहानी प्राय 3 मास तलर पक्का इंटेलिजेंस खबर नहीं कि हमें रेड कनेक्ट कर थिलो और समान को अपग्रेड करके फोर्ट फ्रॉड करा जाउ छी। सर से माने हनी ट्रैप रे पोसिबिलिटी यस दैट कैन नॉट बी डिनाइड राइट नाउ बिकॉज़ इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन इन दैट डायरेक्शन। सर कोन कोन तथ्य दे थिले सेटा नेशनल सिक्योरिटी को रिलेटेड किसी जिनस रही है तो सेगुड़ाक आम इन्वेस्टिगेशन चली सिक्योरिटी वे रखे जिन बर्तमान क्राइम ब्रांच हाँ अलरेडी आगुर भी एमती सिमिलर केसेस क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन नहीं ट्रायल हो तो ये केस रे भी वी आर ट्राइंग टू इनश्योर दैट क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन दैट इज करेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये अभियुक्तों नाँ लगी दफा 120 बी अर्थात देशद्रोह दफा 121 ए अर्थात मिलित भाव षड़यंत्र दफा 34 बी अर्थात गोटे अफिस्र तथ्य अन्य अफिस् प्रदान ऑफिशियल सीक्रेट आक्ट 345। कोर्टे हाजर करने समय यह अभियुक्तों कहवा था सामान देशद्रोह जो अभोग आसी मिछ तुरंत से पर लोक कौन कर बारटा रात आसी नहींगल हटात किसी जे लोक नहीं सी भी किसी जाए पचार किस है जे लोक एत वर्ष कम कला बुढ़ा काल को सही कमटा कर प्रकृत में जो दोष कर दंड पाइब मुझे बालेश्वर जिला चांदीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्र में गुइंदागिरी करुवा संदेह कर सोमवार रात पुलिस दुई जन को घर उठाई आनी मंगलवार आउ तीन जन को सकाळे बालेश्वर पुलिस स्वतंत्र टीम धरीला 2021 फेब्रुवारी 11 पाकिस्तान आईएसआई गुइंदागिरी कर आजीवन जेल सजा काटुं ईश्वर बेहरा से चांदीपुर प्रतिरक्षा विभाग में ठिका फटोग्राफर भाव कार्यरत थे पाकिस्तान को भारत तथ्य जगैवा और देशद्रोह अभियोग 2015 फेब्रुवारी मास रे गिरफ्त करा जायतला। बालेश्वर प्रकाश मानिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। वर्षा पर बन्या चिंता नदी में जलस्तर बढ़ुता बेले हीराकुद खुलिला 20 टिकेट जहाँफल बन्या भय घारी तलिया अंचलवासी को सेपटे पानी घेर में शह शह गाँ घर भांगी जाता बेले चुल्ली जलुनी अनेक जीवन नहीं लघुचाप वर्षा पूरा राज्य में वर्षा पर स्थित को नहीं देखा आम रिपोर्ट। छाड़गला वर्षा हेल्ला दुर्दशा खुलू नदी एवं बन्या आशंकर तलिया अंचलवासी मयूरभंज जिले में बुढ़ाबलंगे जलस्तर बढ़ुची बालीडीहा एक पोल उपर 4 फुट्र बन्या जल प्रवाहित हो बालीडीहा भुआसुणी मध्य जोगाजोग विच्छिन्न सेपरी बारीपदा सहर 30 अधिक घर जलमग्न सेपटे पाणी बुड़ा धामनगर और भंडारी पोखरी लघुचाप प्रभाव में बैतरणी में बढ़ी जलस्तर फल भंडारी पोखरीर किसी पंचायत और चाष जमी पानी घेर पानी घेर भितर आम अच्छा एपर्त गवर्नमेंट कौन सहयोग आमको मिलना कि कौन लोक आसिक देखा दर्शन एपर् मिलवाक ना बर्तमान आम बर्तमान चिंतित अवस्था बर्तमान आम 7-8 घर गाँव अच्छा बर्तमान आम चाहूँ कमी आम आसिक प्रशासन तुरंत आम स्पॉट को आसी अनुधान कर कौन आम मान सुविधा करने नवेदन कर जाजपुर जिले में डराऊ बैतरणी नदी स्थित रसुलपुर ब्लक बंधटिया पंचायतर
ପଣିଆସାହିଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଘେରିବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇରେ ବର୍ଷା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ। କାନ୍ତଯୋଡ଼ି ନିକଟରେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ 6ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ଅନେକ ଗାଁ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଲୋକ ବି ପଡ଼ିଲେଣି, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଇଏ ହେଲେଣି ଘରେ, କେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଇଏ ନାହିଁ, କି ଔଷଧ ନାହିଁ, କି ବିସ୍କୁଟ୍ ପକେଟ୍ଟେ ବି ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାର୍କଠୁ ଆଣିକି ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମକୁ ଚାରି ଚାରି ଥର ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଏଠି ଆଣିକି ଯେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ମାନେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ନଦେଲେ ରହିପାରୁନୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯେବେ ଆମକୁ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତା ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁଣି ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି। ସେପଟେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ବି ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ନାଲୁହା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅନେକ ଘର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ 60 ପରିବାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗରରେ ମାଟି ଘରେ 4 ଫୁଟର ପାଣି। ଜଳବନ୍ଦୀରେ 3 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପୁରୀ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଓ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ପରିବାର ପାଣିଘେରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। 4 ଦିନ ହେବ ଚୁଲି ଜଳିନି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଫଟକରା ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସିଯାଇ ଜଣେ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାର ଦହିସରା ନିକଟରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା କାର। ଚଟାଣିରେ ରହିଛେ, ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯାଇନି, କରୋନା ଦିଶରୁ ଆମେ ଯାଇନି, କାହିଁକିନା ସବୁ କରୋନା ଇଏ ଦିଶରୁ, ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। କାଲି ପାଖରୁ ହଇରାଣ ହେଲେଣି, କାଲି ରାତି ସାରା ବି ଶୋଇ ନାହିଁ। ଆଜି 7 ବେଳେ ପାଣି ଢୁକିଲା ଘରେ, ପାଣି ଢୁକିଲାକୁ ଚଟାଣିକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକରି ଆଉ ଆସିକରି ପୋଲା ମାରିକରି ରହିଛେ ଆଉ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର 47 ବ୍ଲକରେ 100 ମିଲିମିଟରରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ 126 ବ୍ଲକର 4134 ଗାଁ ଓ 28 ପୌର ପରିଷଦ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 2,48,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 3,839 ବାସଗୃହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,22,458 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇନି, ତେଣୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ ସାମଲ। ଆମେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୀରାକୁଦ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଳସ୍ତରକୁ ସେଇ 628 ପାଖାପାଖି ରଖାଯିବ, ଅଧିକ ବଢ଼େଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 6,40,000 ଘନ ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି। ଯେତିକ ଆମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, କେନାଲ ହେଉ ବା ଡ୍ରେନ୍ ହେଉ, ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠି ତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଣି ଜମୁଛି, ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଜମୁଛି। କେନାଲରେ ଆମେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି କେନାଲରେ ମିଶୁଛି, ସେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏତେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ପାଣି ଆସୁଛି ଆମେମାନେ ସତର୍କ ଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ତ କାଲି କହିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି। 3 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି। ଏପଟେ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ପରେ, ଲଘୁଚାପ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା NCERB ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶରେ ଟପ୍ରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସେଭଳି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଯାତନାରେ ବେଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା, ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତେବେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବି ବହୁତ କମ୍। ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା। ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ଦେଶରେ 2 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା। ସାରା ଦେଶରେ କମୁଛି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା, ଓଡ଼ିଶା ଓ ବେଙ୍ଗଲରେ ଉପରମୁହାଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା। NCERB ରିପୋର୍ଟରେ
चिंताजनक चित्र 90% अधिक को हेना दंड विधान आज प्रकाश पाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट आसी राज्य सांघातिक तथ्य नजर पकात रिपोर्ट उपरे देशरे 2019 महिला निर्यातना संख्या थिला 3,87,997 2020 संख्या ह्रास पाई पहुंचला 3,57,363 उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश महाराष्ट्र सबुठी कमिला हेले ओडिशा और पश्चिमबंगे किंतु बढ़ला ओडिशा रे 2019 महिला निर्यातना संख्या थिला 23,183 2020 संख्या बढ़ी पहुंचला 25,499 अर्थात वर्षक मध्य 10% बढ़ी महिला निर्यातना पश्चिमबंगे निर्यातना वृद्धि हार 22% एवं बेंगल रास्तार ओडिशा एवं जदि अधिक संख्यार बढ़ी चलिए यहाँ बहुत ही संवेदनशील मामला समस्त को तार उपरे गोटे निश्चित तो ध्यान देवाक पड़ो पदक्षेप नाक पड़ो प्रशासनिक अधिकारी ठू आरंभ करी सरकार ठू आरंभ करी आम जदि माँ मान को सम्मान देवाक चाहूँ तेल माँ मानक आमको निश्चित तो सुरक्षा प्रदान करने को पड़ो ओडिशा रे कन्विक्शन रेट बहुत कम अपराधी दुशासी मान मनरे गोटे अच्छी आम अरेस्ट हो पारूनी अरेस्ट हेले बेल हो नजर पकात ये रिपोर्ट उपरे चिंताजनक चित्र महिलांक उपरे आक्रमण घटनारे सबुठारु आगरे आम राज्य ओडिशारे 2020 संख्या थिला 12,641 उत्तरप्रदेश भली बड़ राज्यरे भी संख्या ओडिशाठारु कम ओडिशारे महिला माने सर्वाधिक निर्यातनार शिकार होइछन्ति सेभली ओडिशार महिला माने सर्वाधिक साइबर क्राइमर शिकार होइछन्ति मोट 526 संख्या सहित यहाँ देशर एक नंबर ये तो कला महिलांक उपरे निर्यातनार तथ्य दंडविधान हार भी उद्वेगजनक महिला निर्यातना क्षेत्र में ओडिशार दंडविधान हार मात्र 9.2% देश में यह हार हो 31.7% भुवनेश्वर रोशन रथों सहित शत्रुपा सामंतराय सुशांत साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज ऑटो एवं टेलीकॉम उद्योग पर केंद्र सरकार बड़ घोषणा कर केंद्र कैबिनेट ऑटोमोबाइल सेक्टर पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मध्य प्रदान आसंता 5 वर्ष कार्यकारी होजना जो 26,000 कोटी विनियोग टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़ मौलिक संशोधन भारत को विश्वर मैन्युफैक्चरिंग हब करने दिगरे मोदी सरकार महत्वाकांक्षी लक्ष्य रही आज निष्पत्ति दिगरे आउ एक पाद आगक बढ़ाई ऑटो एवं टेलीकॉम उद्योग केन्द्र बड़ घोषणा ऑटो उद्योग पीआईएल योजना को मंजूरी 5 वर्ष खर्च हेब 26,000 कोटी टेलीकॉम उद्योग में बड़ संशोधन को केंद्र कैबिनेट मंजूरी एजीआर उपरे बड़ निष्पत्ति नेले प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत गठन दिगरे केंद्र सरकार आगक बढ़ुचंती क्रम विभिन्न उद्योग को आर्थिक सहायता प्रदान करने बड़ बड़ संशोधन करोना माड़ उठाइबा पई ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बड़ घोषणा करछंती केंद्र सरकार यही उद्योग प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना को मंजूरी प्रदान ऑटो कंपोनेंट एवं ड्रोन उद्योग को सामिल करा योजना आसंता 5 वर्ष कार्यकारी हेबो 26,000 कोटी टंका खर्च होद्वारा पाखापाखि 7,60,000 नुआ निजुक्ति सृष्टि हेबार संभावना रही इस योजना में कुल मिलाकर 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है पीएलए स्कीम जो हमारी ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए इसके कुल मिलाकर 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को काफी निर्माण करने में बल मिलेगा और इन क्षेत्रों में चैंपियन इंडस्ट्रीज को विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे सेहीपरी टेलीकॉम सेक्टर पर बड़ रिहाती प्रदान करछंती सरकार टेलीकॉम सेक्टर रे 9 बड़ मौलिक संशोधन करा जाय छी यात एजीआर बकेयार परिभाषा रे परिवर्तन करा जाय एथ्रु अण टेलीकॉम आय को बाहर करा जाय छी टेलीकॉम सेक्टर रो मासिक शुद्ध हार को एणिकी वार्षिक करा जाय छी यात पेनल्टी रे मध्य रिहाती प्रदान करा जाय छी
ସେହିପରି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ଅବଧି ମଧ୍ୟ 20ରୁ ବଢ଼ାଇ 30 ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଏଣିକି ବକେୟା ପାଇଁ ମୋରଟୋରିୟମ ନେଇପାରିବେ। ଏହା 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବିକଳ୍ପ ବାଛିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एक बहुत बड़ा कंटेंशियस मुद्दा रहा है, कई वर्षों तक हाईली लिटिगेटेड मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी ने आज एक बोल्ड डिसीजन लिया है और एजीआर की डेफिनेशन को रैशनलाइज करने का फैसला आज किया गया है। जितना नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है वो एजीआर से निकाला जाएगा। आप सबको पता है किस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, जैसे रेलवे में, गैस अथॉरिटी में, पावर ग्रिड में प्रॉब्लम्स आई थी, कैप्टिव यूजर्स ऑफ स्पेक्ट्रम के ऊपर भी प्रॉब्लम आई थी। उन सब प्रॉब्लम्स को एजीआर की डेफिनेशन को रैशनलाइज करके एक सेक्टर का बहुत बड़ा पुराना कंटेंशियस लिटिगेटेड इश्यू को आज सॉल्व किया गया है। मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान रे देश रे ही उत्पादन को वृद्धि करने प्रोत्साहित करछंती। एथिपई पीआईएल योजना माध्यम रे विभिन्न उद्योग को रियायती प्रदान करछंती। भारत को विश्व रो मैन्युफैक्चरिंग हब करबा मोदी सरकार को महत्वाकांक्षी लक्ष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। मूर्ति उच्चता विवाद रे अहंकार रे अड़ी रहिले सरकार। कटकिया स्वाभिमान आगे निज अहंकार को बड़ बोली प्रमाण करने को विज्ञापन सहारा नहीं सरकार। आज सब् प्रमुख खबर कागज रे विज्ञापन दे सरकार कहते मूर्ति उच्चता बढ़िले स्थापन और स्थानांतरण और विसर्जन में अधिक लोक नियोजित होवार संभावना थिबारु कोरोना बढ़िबो। एबडे सरकार के फंडा को प्रत्याख्यान कर कटकिया स्वाभिमान मूर्ति उच्चता बढ़ावा दावी आमरण अनशन आरंभ कर 40 संगठन। स्वाभिमान बनाम अहंकार लड़ई रे अहंकार को जाबुड़ी धरले सरकार। कटकिया स्वाभिमान को बुझुन किसी अफिसर निज जिद मूर्ति उच्चता को 4 फुट रे सीमित रखा निष्पत्ति अटल अच्छा देवी मूर्ति उच्चता सह कोरोना व्यापार फंडा को लोक बुझाइवा जा विज्ञापन सहारा नहीं नजर पका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दे विज्ञापन उपाई मूर्ति बड़ हेले स्थापन स्थानांतर और विसर्जन में अधिक लोकों आवश्यक पड़ और दर्शन पर गहली बढ़ तबे मंडपर तीन पट आबद्ध रखी परदा आढ़ुआल पूजा को अनुमति दे सरकार एवं दर्शन कथा उठाई केमी लोक विभ्रांत कर विज्ञापन जल जल दिशु। प्रश्न उठु जदि मंडपर साधारण दर्शन बंद तेज लोकों गहली हेब केमी विज्ञापन केरल ओनम पर्वर उदाहरण भी दे स्वास्थ्य विभाग शुणु निज अहंकार को जबुड़ी धरती सरकार पक्ष मूर्ति उच्चता बढ़िया कटका नहीं जुक्ति उपस्थापन करीएमईटी मूर्ति उच्चता सहित सीधा सड़क कौन संक्रमण ना मूर्ति इनफेक्शन करूँ जेड़े बड़ मूर्ति हम से जगजगम लोक मैंने आकर्षित हे आप रास्ता कटे देखते गोटे फुटे कि 2 फुट मूर्ति विभिन्न जगह पूजा होते लोक से देखुं कि गोटे बड़ मेड़ होते भिड़ हो तेणु गोटे मनुष्य मानसिकता जे एपटे मूर्ति उच्चता बढ़ावा सह परदा हटावा दावी में तीनोटी पृथक पृथक स्थान में प्रतिवाद और आंदोलन चली। कटक कांग्रेस पक्ष पुरी घाट गांधी प्रतिमूर्ति पाखे मौन प्रतिवाद करा जिलापा अफिस् आगे हिंदू जागरण मंच आंदोलन करुवा बेले सामाजिक संगठनगुड़िक माछुआ बजार एलआईसी अफिस् आगे आमरण अनशन कर कटक सहरवासी भावबेग को दृष्टि रखि सरकार निष्पत्ति पुनर्विचार करी मां का मूर्ति करने अनुमति देवा को दावी करछंती कटकिया। तबे अक्टोबर मासर कोविड परिस्थिति देखि सरकार को गाइडलाइन को मानवा को प्रस्तुत बोली अनशन करथुवा सामाजिक संगठन प्रतिनिधि कहिछंती देखंतु कथा नहीं चाप सृष्टि करियार कथा होती सरकार कहीं बुझे नहीं जिनसा मुख्यमंत्री कहीं आज हस्तक्षेप करू ना ये ओडिशार 4.5 कोटी जनता कटक सहर लोक भाव सहित जड़ित एथिरे व्यक्तिगत राजनीति किसी ना तेणु दल मत ऊर्धर निर्विशेष समस्ते
विभिन्न सामाजिक संगठन समस्ते थे सहयोग करछंती जेतो बळे जेतो कटक ऊपर कोनोसी विपद आपद आसी जे सेतो बळे सामाजिक कर्मी माने प्रथमे आसी एई विपद आपद रो मुकाबला करथांती सहयोग हात बढैथांती आज मध्ये सेमती कटक माटी रो अस्तित्व पई गोटे लडई आरंभ हेतला प्रतिवाद आरंभ हेतला जोटा की आज आमे दीर्घ दिन 15 दिन काम प्रतिवाद कला पर जेतो बळे सरकार नमले आज आमे सरकार को निवेदन करी की आज गोटे आमरण अनुमोदन रे बसिछु आ सरकार को निवेदन करछु जे प्रत्येक कार्यक्रम मारे तो सामाजिक कर्मी माने आपण को संग सहयोग करछन आगामी दिन में सहयोग करेंगे तेणु यथा रीति जो रीतिनीति पूजा कार्य होता से पूजा कार्य को संपूर्ण करने को निवेदन आम अनुरोध करछु मुख्यमंत्री को आसंता काली जो आलोचना रही तार निश्चिंत पुनर्विचार कराऊ कटक समस्त कटकिया भावना को उद्भव को बुझापाई कि अनुरोध करुच्छू मुख्यमंत्री को निश्चिंत भाव किसी ना कि मानने मुख्यमंत्री तार परिवर्तित निश्चिंत करेंगे गोटेपटे कटकिया भावाबेग और अंपटे अधिकारी अहंकार प्रतिवाद और आंदोलन पर मामला कोर्ट को भी जाइछि एपरि स्थिति रे शांति कमिटी प्रस्ताव उपरे सरकार 16 तारीख रे विचार करि पारंती बोली कुहा जाउछि यदि शांति कमिटी प्रस्ताव को सरकार न मानंती तबे 17 तारीख रे पूर्ण कमिटी बसी परवर्ती कार्यपत्र स्थिर करिवो कटकरु विश्वजीत दास को सह इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।